आपके अपने YouTube चैनल वागा साठी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल यानी 30 तारीख को आपका दोस्तों हिंदी का पेपर है कक्षा 11वीं का। दोस्तों तो आप लोग रियल पेपर की पूरे मांग कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट आपको रियल पेपर नहीं दे सकता, लेकिन मैं दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक एक करके आपके इतने नंबर में आराम से पक्का कर दूंगा कि आपके बेहतरीन नंबर आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आपको मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली है, तो आप जाकर देखें अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। उस 3 मिनट की वीडियो है, तो अगर आप देख लेते तो 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये पेपर ये क्वेश्चन हमेशा आता है, वो क्या है, शब्द गुण आते हैं हमेशा, उसे माधुर्य ओज प्रसाद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा नहीं है आपको दोस्तों, तो शब्द गुण दोस्तों हमेशा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो इससे आने के बहुत चांस है। तो क्या होता है शब्द गुण, किसे कहते हैं इसे काव्य, तो किसे कहते हैं शब्द गुण, काव्य के सौंदर्य एवं अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व को शब्द गुण या काव्य गुण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य ओज और प्रसाद। ओके दोस्तों, तो आपको करना है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा नहीं है, आपको उन्हें याद जरूर कर लेना। पहले शब्द गुण की आपको परिभाषा याद कर लेनी है, क्या होता है काव्य के में के सौंदर्य एवं अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को शब्द गुण या काव्य गुण कहते हैं। इसे काव्य गुण भी कहते हैं, पेपर में काव्य गुण भी लिख के आ सकता है। गुण 3 प्रकार के होते हैं, ये माधुर्य ओज और प्रसाद। ओके, अब पर्सनली भी आ सकता है कि माधुर्य गुण किसे कहते हैं, उसको ध्यान से समझाइए। तो माधुर्य गुण क्या है दोस्तों, कि काव्य को पढ़ने या सुनने में हृदय में जो मधुरता का संचार होता है, आपको तो नाम ही से पता चल जाए माधुर्य गुण मतलब मधुरता। काव्य को पढ़ने या सुनने से क्या हो, हृदय में मधुरता का संचार हो जाए, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। सबसे सरल भाषा में दिया है, जिससे आपको दोस्तों याद करने में कोई भी कठिनाई ना हो, कि उसे बहुत ही कम समय बचा है आपके पास, तो जल्दी जल्दी आप इसे याद कर लें। उदाहरण क्या है, बसो मोर नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांबरी मूरत नैनो वाले विशाल। ओके दोस्तों, तो आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। फिर आता है दोस्तों आपका ओज गुण। ओज गुण क्या है दोस्तों, ओज गुण है कि ओज जिसे नाम ही पता है, ओज हो जाना मतलब उत्साहित हो जाना। तो क्या हो जाए, काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में उमंग या उत्साह का संचार हो, उसे ओज गुण कहते हैं। ओके दोस्तों, नाम ही को से आप याद रख सकते हैं, ओज गुण मतलब 8400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन बस आपके सीधे व्हाट्सएप में। अपने मोबाइल में डाउटनर का 8400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कर लीजिए। जो भी आपका सवाल हो उसको आपको फोटो खींचना है, उसके कॉप करना है और 5 सेकेंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12वीं IIT JEE NEET CBSE बोर्ड और सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। ओज का उत्साह मतलब उमंग का संचार होना ओज गुण कहलाता है। ये आपको दोस्तों याद ही होगा, फेमस है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आप इसे लिख सकते हैं। फिर तीसरा आता है प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण में क्या हो जाता है दोस्तों, कि काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन में खिल जाए, मतलब प्रसाद मतलब प्रसन्नता, तो प्रसन्नता आ जाए, खिल जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाए, मन खिल जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप, रहीमन वे नर मर चुके थे, जे कहूँ मागत जा, उससे पहले वे मुए हैं जिन मुख निखरत नाही। ओके दोस्तों, आप अपने से भी कोई याद कर सकते हैं, और भी आसान आसान दिए हुए गाइड में, तो आप उन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, किसी प्रकार से आ सकता है, क्या ये पूरा क्वेश्चन आ जाए या ओनली प्रसाद गुण का आ जाए या माधुर गुण या ओज गुण का आ जाए, कुछ नहीं करना है आपको, नाम बस याद रख लेना है और आपको उसकी वो शब्द गुण की आपको क्या करनी है, परिभाषा याद कर लेनी है शब्द गुण की, बस इसे याद कर लेना है और ये 3 याद कर लेंगे, और इन्हीं से आप परिभाषा बना सकते हैं। माधुर्य से मतलब माधुर्यता उत्पन्न हो जाए, ओ से उत्साह उत्पन्न हो जाए, प्रसाद मतलब हो जाता है दोस्तों आपका, प्रसाद से आपका दोस्तों हो जाता है आशय, क्या काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में क्या हो जाए, मन खिल जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। आप इनके उदाहरण रख लीजिए, तो आपका ये 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। PDF मैं जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसलिए आप उसे ज्वाइन करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।